सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाए परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। सोमवार को उर्वरक जागरूकता अभियान के तहत लातेहार जिला अंतर्गत बालूमाथ कृषि वैज्ञानिक केंद्र परिसर में किसानों से जैविक खाद के अधिकाधिक उपयोग करने पर बल दिया गया। कार्यशाला के दौरान किसानों को जागरूक करते हुए कृषि वैज्ञानिक महेश चंद्र ने कहा कि खेतों में रासायनिक खाद व कीटनाशकों का प्रयोग कम से कम करें। कहा, अधिक उपज और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए जैविक और गोबर खाद का प्रयोग बेहतर है। इससे मिट्टी सेहतमंद रहेगी और भरपूर फसल भी किसानों को मिलेंगे। कौन सा खाद कब और कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है, कृषि वैज्ञानिक श्री चंद्रा ने किसानों को इसकी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। हम बालूमाथ कृषि विज्ञान केंद्र आए हुए हैं, जहां उर्वरकता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें ट्रेनिंग दी जा रही है और लोगों को दिखाया जा रहा है कि किस तरह से रासायनिक खाद का प्रयोग करना चाहिए और अन्य जो खाद है उसको क्यों प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिससे किस तरह का नुकसान हमें होता है। आइए हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि आखिर क्या जो बताया जा रहा है, लोगों को क्या जानकारी दी जा रही है किसानों को। आज जो पूरे भारतवर्ष में रसायन जागरूकता अभियान जो है और उर्वरक जागरूकता अभियान मनाया जा रहा है, जिसके तहत हम लोग किसानों को ये बातें बताया जा रहा है कि जो खाद आप यूज कर रहे हैं, जो खाद किसान खेत में डाल रहे हैं, खासकर यूरिया और डीएपी बहुत ज़्यादा मात्रा में किसान भाई डाल रहे हैं, तो असंतुलित मात्रा में जो खाद का प्रयोग करने से जो भूमि की उर्वरकता शक्ति घटती है, तो उस घटती हुई उर्वरकता शक्ति को ध्यान में रखते हुए हम ये बताना चाह रहे हैं या बता रहे हैं किसान भाई की कि आप संतुलित मात्रा में उर्वरक का प्रयोग करें। उर्वरक रासायनिक उर्वरक के साथ साथ आप गोबर के खाद का प्रयोग करें, ताकि भूमि की उर्वरकता शक्ति यानी कि उपज क्षमता जो है बरकरार रखे। साथ ही साथ जो हरी खाद का प्रयोग, जो हम लोग धान के खेत में हरी खाद का प्रयोग करने के लिए किसान भाई करते हैं, तो इन सब बातों को किसान भाई अपने खेतों में ले जाएं और अपने खेतों में इस तरह का प्रयोग करें, ताकि जमीन का जो स्वास्थ्य है वो बना रहे।